नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी की इस वैकेंसी अलर्ट के अंदर। बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं, जिस प्रकार से आपके सामने एक पीडीएफ रन कर रही है और उस पीडीएफ के अंदर एक बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है और इस ऐलान में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये एक छोटा सा वैकेंसी अलर्ट आपको दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे इस स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने एक 200 की पीडीएफ आपके सामने भी रन कर रही है। उस पीडीएफ के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि नर्सिंग ऑफिसर की 200 पोस्ट आ चुकी है, यानी रिक्रूटमेंट ऐलान हो चुकी है। तो इसमें आपका जो सबसे बड़ा डाउट कि सर अभी नॉर्थ सेट में भी जो एम्स पटना ने पोस्ट दी है उसके अलावा ये पोस्ट है, तो क्या वो पोस्ट अलग है या सेम पोस्ट है? ये आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और आपके बहुत सारे फोन कॉल है, तो मैं आपका इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं और आपके साथ हाजिर हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये वैकेंसी सही है या फेक, तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूं, ये वैकेंसी 101% करेक्ट है, बिल्कुल एकदम सही है और ये वैकेंसी आपको आने वाले कुछ दिनों में यानी 1 से 2 तारीख के बीच जो ही ये संडे वाला माहौल खत्म होता है उसके बाद आपको पटना की एम्स पटना की वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। यानी आपको वहां पे फॉर्म अप्लाई के लिए सारा का सारा जो भी परफॉर्मा है वो आपको मिल जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सर नॉर्थ सेट हो रहा है तो इस भर्ती की जरूरत कहां पड़ गई? अगर नॉर्थ सेट हो रहा है तो इस भर्ती की जरूरत क्यों पड़ गई? इस भर्ती को नॉर्थ सेट में सम्मिलित क्यों नहीं कर लिया गया? तो साथियों ये एम्स पटना का निर्णय है, ये एम्स पटना का निर्णय है और एम्स पटना का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि उसको स्किल नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत है। उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट पे ये वैकेंसी ऐलान की है। उन्होंने एक पैरामीटर दिया है कि हमें स्किल टेस्ट की जरूरत है, हमें स्किल नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत है, उसी के बेस पे ये रिक्रूटमेंट को उन्होंने ऐलान किया है। तो साथियों इसका एग्जाम कब होगा ये भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस एग्जाम में जाने से या एग्जाम के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पोस्ट कितनी होगी। तो आपको जिस प्रकार से आपने पीडीएफ भी देखी होगी और आपको पीडीएफ के माध्यम से भी आपको पता होगा कि पीडीएफ के अंदर आपने पूरी की पूरी इस पीडीएफ को छान मारा होगा कि इस पीडीएफ के अंदर कितनी पोस्ट रहने वाली है। इस पीडीएफ के अंदर पोस्ट रहने वाली है और इस भर्ती के अंदर पोस्ट रहने वाली है वो है 200 की वैकेंसी एम्स पटना अपनी तरफ से करवाने वाला है और उसके अंदर वो स्किल टेस्ट करवाएगा ही करवाएगा। यानी आपके लिए अब स्किल टेस्ट का जो पड़ाव है पार करना होगा। उसके अंदर जो पोस्टें आई है उसके अंदर भी आप याद रखिएगा कि इसके अंदर भी जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया रखा है वो 200 का रखा है, 80-20 का क्राइटेरिया रखा है, किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा है ओबीसी जो बीएससी नर्सिंग का क्राइटेरिया है, साथ ही साथ जेएनएम प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस रखा है, सारा सब कुछ सेम है लेकिन एक ही चीज चेंज है वो है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होगा ही होगा। तो बहुत ही बड़ा ये चुनौती भरा माहौल है और आप सभी को इस बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि ये भर्ती फेक है या करेक्ट है, तो मैं आपको बीच क्लियरली कर लेता हूं, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है और आपको कुछ दिनों में फॉर्म भरना है। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम नॉर्थ सेट के तुरंत बाद, नॉर्थ सेट का एग्जाम होने के कुछ ही दिनों बाद इस भर्ती का आपको एग्जाम करवा दिया जाएगा और इस एग्जाम के तहत जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनको स्किल टेस्ट करवा के जल्द ही एम्स पटना रिक्रूट करेगा। जिस प्रकार से एम्स पटना ने पिछली 206 पिछला नॉर्थ सेट होने के बावजूद भी उन्होंने 206 की भर्ती करवाई थी, इसी बार नॉर्थ सेट होने के बावजूद भी ये 200 की पोस्ट भरी जाएगी। ये छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप नॉर्थ सेट के लिए और इस भर्ती के लिए आप लगातार पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और टीएनसी के साथ आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।